भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। हेलो स्कूल गुरुजी मेंबर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स से। अब देखो स्टार्ट हो रहा है आईपीएल, ठीक है, आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो मेंस की नहीं वीमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है। तो टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है कल से। कल का फर्स्ट मैच जो खेला जाना है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाता है। तो सारी चीजें बातें होगी किस तरीके से कंबाइंड करने हैं। मैं बेसिकली मैं बता दूं कि आपको चार बॉलर लेने हैं, चार ऑलराउंडर लेने हैं, दो बैट्समैन लेने हैं, एक विकेट कीपर लेने हैं। किस किस खिलाड़ी को लेने हैं किस तरीके से, क्या आप जानते हो किस तरीके से कंबाइंड करोगे सारी चीजें, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आएगी आपके लिए। अगर नहीं पता ना मेरे भाई तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आएगा लास्ट तक देखना, आपको जीत जाओगे तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है। पहले आपका काम है देखना, समझना, समझ में आ जाए फिर जो भी रिवार्ड देना होगा अपने साइड से आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ड्रीम इलेवन के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मैं छोटा बड़ा देते रहता हूँ, ठीक है। अब देखो हरमनप्रीत कौर का जो लेने का एक डिसएडवांटेज है क्या रहने वाला है, वो भी मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब बात करते हैं वेन्यू और पिच रिपोर्ट का, ठीक है। अब देखो वेन्यू का बात करें तो यहाँ से चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच खेला जाना है कल के डेट में। टाइमिंग आपका 7:30 बजे की रहने वाली है। अगर मेंस खेलते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि विमेंस प्रीमियर लीग है तो सारे के सारे गर्ल्स और लेडीज खेलने वाले हैं। उस कंडीशन में बाउंड्रीज थोड़ी छोटी की जाएगी, उस कंडीशन में जितने भी फॉरेन खिलाड़ी है ना वो अच्छा खासा हिट लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा नजर बनाए रखिएगा, फॉरेन खिलाड़ी हैं जिनको आपको मिस नहीं करने हैं, वो अच्छा खेल के ही जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी वेदर का बात करें तो क्लियर होने वाली है सारी चीजें, कोई भी बारिश वारिश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से देख लोगे ना, मुंबई इंडियंस की तरफ से तो मैथ्यूज है ओपनिंग कराएंगे यहाँ से भाटिया के साथ। दो भाटिया है, दोनों के दोनों विकेट कीपर रहने वाले हैं। एक हो गए दबंग दिल्ली बोल रहे भाई दिल्ली कैपिटल की तरफ से, तो ये भाई यहाँ से तानिया भाटिया हो गए। बात करें यहीं से देखोगे मुंबई इंडियंस की तरफ से तो यहाँ से यासिका भाटिया हो गए, ठीक है। दोनों के दोनों विकेट कीपर है, दोनों के दोनों विकेट कीपिंग कराते हुए नजर आएंगे अपने टीम के तरफ से, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से देख लो स्काइवर है, हरमनप्रीत कौर है, जिनको आपको अपने टीम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। अमेलिया केर है जो कि इंटरनेशनली भाई बहुत बढ़िया खेलते हैं, लीग मैचेस भी बहुत बढ़िया खेलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा टच में भी अच्छा खासा बॉलिंग भी करा लेती है और अच्छा खासा हिट भी लगा लेती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पूजा है जो कि एक फास्टर रहने वाली है। बात करें अमनजोत कौर है, बात करें एसी वांग है, साइका इशक का, तो साइका इशक जो है रिसेंटली उभरते हुए खिलाड़ी है, स्पिनर डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। फातिमा जेफर है, बात करें यहाँ से अमनदीप कौर है, तो बात करें ये अमनदीप कौर जो कि ये फास्टर डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे, फातिमा के साथ अटैक करवाएंगे। बात करें इसी वांग के साथ भी जा सकती है टीम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पूजा तो है ही जो कि इंटरनेशनली भी अच्छा खेलते हैं, आपको पता ही होगा। बात करें दिल्ली कैपिटल्स का, तो देखोगे तो यहाँ से शेफाली वर्मा ओपनिंग कराते हुए नजर आएंगे मैकलेनिंग के साथ। बात करें यहाँ से जमीमा जो कि वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे। कैप का बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से एक स्पेशल खिलाड़ी रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें यहाँ से अलाइस का, तो कि इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर सेक्शन से, लेना है या नहीं लेना है किस तरीके से मैनेज करनी है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। जेस जनरेशन का बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट का, जो कि तानिया भाटिया मैंने बताया क्योंकि टोटल पूरा डाउन आने वाले खेलने के लिए तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, ग्रैंड लीग वगैरह में आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकती है। शिखा पांडे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मणि मिन्नू का बात करें तो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक ऑलराउंडर रहने वाले हैं। राधा यादव जो कि इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली भी अच्छा खेलते हैं, पूनम यादव भी इंटरनेशनली अच्छा खेलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें आपके ऊपर है, इंटरनेशनली जो खेलते हैं इंडिया की तरफ से मैं बता दूं, जो फॉरेन खिलाड़ी है वो तो सारे के सारे ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। बाकी देखोगे इंडिया की तरफ से जैसे कि यहाँ से पूजा हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, राधा यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूनम यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, शिखा पांडे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, शेफाली वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस तरीके से देखोगे तो
पार्टियां देखोगे तो इम्पोर्टेंट है, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको इम्पोर्टेंट होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरमनप्रीत कौर को आपको अपने टीम में नहीं लेने हैं, क्यों नहीं लेने हैं, जब मैं टीम बनाऊंगा आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। हमारा कॉम्बिनेशन जो होने वाला है ना मेरे भाई, कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि आपको जो है देखो चार बॉलर लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चार बॉलर लेने हैं आपको, चार ऑलराउंडर लेने हैं आपको, ठीक है। किस तरीके से करने हैं सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। आपको दो बैट्समैन लेने हैं, ठीक है, और एक भाई आपको यहां से विकेट कीपर रखने हैं अपनी टीम में। इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे 100% प्राइम टीम बन के आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो चैनल है ना मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या सब होने वाला है, किस तरीके से आपको कितनी चीजें फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, आप देखोगे ना सारी चीजें सॉफ्ट हो जाओगे। इतनी सारी फैसिलिटी शायद ही कोई करा के देने वाला आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिसेंटली मैंने बोल दिया था कि और एक बात है जो कि यहाँ से क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में जो मैच कराया जाना है, वीडियो पोस्ट हो गई है, जाके आप देख सकते हो सारी चीजें ए टू जेड अपडेट। पिन कमेंट चेक करोगे ना क्या सब फैसिलिटी मिलती है हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। डेली दो मैचेस कवर की जाएगी, ड्रीम इलेवन की टीम मिलती है, मैच प्रेडिक्शन, प्री मैच प्रेडिक्शन, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग, यूनिक कंसेप्ट है, प्ले स्पॉट पे खेल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गेम्स रमी पोकर भी आप खेल सकते हो, लूडो भी खेल सकते हो, प्ले स्पॉट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज्वाइन करके जरूर देखना। लाइव फैंटेसी 5-5 ओवर के गेम में आप खेल सकते हो, ड्यूरिंग द मैच, मैच के दौरान भी आप फैंटेसी खेल सकते हो, लाइव फैंटेसी नाम है, सेकंड इनिंग फैंटेसी भी खेल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सेकंड इनिंग फैंटेसी में आप अच्छा कर सकते हो। थर्सडे फ्राइडे संडे को स्पेशल वीडियो आती है, देखना, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली वो सारा कंसेप्ट बताई जाती है, जो कि वीकली हर एक चीज, मैच कैसे खेला हमने, कितने जीते कितने हारे, सारी चीजें बताई जाती है ये जब स्पेशल वीडियो आती है। तो चलिए ड्रीम लोन ओपन करते हैं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ एक टीम बनाते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप कंबाइंड करोगे, सारी चीजें तैयार होके आएगी आपके सामने, ठीक है। कोई भाई बड़ी बात नहीं है एड टू एड थ्री मेंबर वाली कॉन्टेस्ट विन करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना आप इजीली जीत जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में जो मैच खेला जाना है, वीडियो पोस्ट हो चुकी है, जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है कल के डेट में, मैचेस ओपन है, ग्रैंड लीग भाई 1.5 करोड़ की फर्स्ट प्राइज, इसमें कुछ मैं ट्रंप प्लेयर का नाम बताऊंगा, उस पर जाना आप, बेशक आपको अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए टीम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम बनाते हैं। मैंने बताया विकेट कीपिंग में आपको एक रखने हैं, देखो बात करें दोनों भाटिया हैं, ठीक है, तो एक तो बहुत नीचे आने वाले हैं, एक ऊपर आने वाला है, ठीक है, यासिका भाटिया को ही लेंगे क्योंकि टॉप पे आने वाले हैं, ठीक है ना। बात करें तानिया भाटिया का तो ये बहुत ही डाउन आने वाला है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी नहीं। बैट्समैन सेक्शन से मैंने बताया था कि दो बैट्समैन आपको रखने हैं, मैकलेनिंग रखने हैं आपको अपने लिए, और बात करें यहाँ से तो यहाँ से जेमी मार को अपनी टीम में रखने हैं, दो खिलाड़ी दोनों के दोनों डबंग डेली भाई इतने कवर करे हैं ना मैचेस वगैरह हम प्रो कबड्डी के, तो डबंग डेली मुंह में आ रही है, ठीक है, तो माफी चाहते हैं दिल्ली कैपिटल के तरफ से, ठीक है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलराउंडर चार ऑलराउंडर रखने हैं, मैंने सारी चीजें पहले आपको बता दिया किस तरीके से कंबाइन करने हैं। देखो केयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्काइवर ब्रांड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से जेनेशन। अब देखो मैं बता दू ना, ये कैप और जेनेशन दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट खेलती है जेनेशन, बात करें साउथ अफ्रीका के लिए एम कैप भी बढ़िया खेलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दोराई वाली बात नहीं है, बट कहने का मतलब कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो दोनों में दोनों यहाँ से डाउट क्रिएट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं बोलूंगा कि आप दोनों के साथ जा सकते हो, बट कहीं ना कहीं सारी चीज आपको मैनेज करने होंगे, ठीक है। तो जेनेशन कैप इनके साथ आप जा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जैसा कि राधा यादव हो गए, बात करें आज पूनम का, पूजा का, किसी एक खिलाड़ी को जो है आप मिस करोगे इधर से, जो कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में इम्पोर्टेंट हो सकती है। बट वही बात करें दोनों के दोनों लीजेंड रहे साउथ अफ्रीका वीमेंस और ऑस्ट्रेलिया वीमेंस के लिए, जेनेशन और यहाँ से कैप, तो दोनों को भी लेना इम्पोर्टेंट है,
तो पांच फॉर्मेट के साथ भी जा सकते हो कि पांच ऑलराउंडर को आपने अपने टीम में पिक करा, फिर बॉलर सेक्शन से आपको तीन पिक करने होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन में आते हो ना, बॉलिंग सेक्शन में आते हो तो इस्माइल का अभी कंफर्म नहीं है, अगर आते हैं खेलती है इस्माइल तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पिक करना साउथ अफ्रीका की, ये भी लीजेंड खिलाड़ी रही है। बात करें पूजा का, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिखा वर्मा इंपॉर्टेंट है, देखो वांग इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि मुझे लग रहा है खेलेगी या नहीं खेलेगी, पेशेंस डिपार्टमेंट देख लेगी। एक राधा यादव जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रीव्यू देख लो, ये हमारा प्रीव्यू होने वाला है। तो इसमें कंबाइंड करें सारी चीजें, पांच ऑलराउंडर के साथ गए हैं, जिस तरीके से पूनम यादव को आप ले सकते हो अगर आप कैप को या भाई यहाँ से जनरेशन को हटा के उनके साथ आप जा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन बॉलर है, पूजा हो गए, शिखा पांडे हो गए, राधा यादव हो गए, पांच के पांच ऑलराउंडर, केयर हो गए, मैथ्यूज हो गए, स्काइबर हो गए, कैप हो गए और भाई यहाँ से जेस जनरेशन हो गए, ठीक है। ऑलराउंडर बैटर सेक्शन से मैकलेनिंग हो गए, यहाँ से जेबीमा हो गए और यहाँ से याचिका भाटिया हो गए जो कि विकेट कीपिंग संभालते हुए नजर आएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो नॉर्मली लोग कैप्टन बनाएंगे मैथ्यूज को, लोग कैप्टन बनाएंगे हरमनप्रीत कौर को, हमने हरमनप्रीत कौर को लिया ही नहीं है, उसका हमें बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, आप देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसका बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। देखो आप जा सकते हो, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हेड टू हेड थ्री मेंबर वाली लीग है, तो मैथ्यूज ही हमारे कैप्टन रहेंगे क्योंकि बॉलिंग में भी अच्छा खासा विकेट ले लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से स्काइबर के साथ जा सकते हो बीसी में, या भाई यहाँ से जेनेसन या आप कैप के साथ भी जा सकते हो, कैर के साथ भी जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देना, जो कि जो पांच का पांच ऑप्शन है हमारे पास, भाई आप जीत ही जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और विमेंस टाटा विमेंस प्रीमियर लीग के जितनी भी मैचेज है आपको स्किल गुरुजी ऑफिशियल चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।